मैं शिमले दे रिज दे उत्ते खड़ा, बड़ा कमाल दा नज़ारा उस रिज दा, क्योंकि शिमले दा जिहड़ा सब तो खूबसूरत कोई पॉइंट है घूमने वाला वह रिज है, जिते रौनक है, चहल पहल है। और अज मौसम क्या खुशगवार, और जो मैं इधर देखता शिमले का इतिहासिक पॉइंट चर्च, चर्च के बाद स्टेट लाइब्रेरी और स्पॉट महात्मा गांधी जी का जो बुत इतने लग्या हुआ सामने फाउंटेन, सो चारे पासे खूबसूरत वातावरण, रौनक, आले दुआले पहाड़ ने, सुंदर दरख्त ने और लोगों की चहल पहल। इट्स द बेस्ट पॉइंट, भावें बेतहाशा होर जिहड़े हिल स्टेशन बन चुके हैं, पर शिमले की जिहड़ी खूबसूरती आ वह अपने आप दे विच कायम है, क्योंकि शिमला अंग्रेज़ों वेले का बनाया हुआ वह इतिहासिक हिल स्टेशन है, वह हिल स्टेशन जिथे दुनिया दूरों दूरों आना पसंद करती है। तो माणो मेरे नाल शिमले का एक खूबसूरत नज़ारा चारे पासे, और इस देखो लोगों की चहल पहल देखो। तो जिंदगी दे विच कदे कदे ब्रेक लैन लई मैनू इह लगदा हुंदा कि इहो जिहे जिहड़े स्पॉट ने ये तो बहुत खूबसूरत वातावरण है चारे पास। मेरे नाल मेरा सारा ही परिवार इस चीज़ को इंजॉय करना आया हुआ, सारे परिवार के मैंबर भी हाजिर ने, मेरे श्रीमती जी नाल ने, मेरे सिस्टर इन लॉ न्यूजीलैंड, तो मेरी भतीजी न्यूजीलैंड, तो मेरी डॉटर इन लॉ पोत्री और ब्रदर मेरे ये सारे वीडियोग्राफी कर रहे हैं। ਕਿਵੇਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ, ਹਾਓ ਆਰ ਯੂ ਫੀਲਿੰਗ, ਕਿਵੇਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ? ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਮੌਸਮ, ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ, ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ, ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ। ਸੁਖਮ ਸੁਖਮ, ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ਿਮਲੇ ਆਈ ਆ, ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਲੱਗ ਰਿਹਾ? ਤੂੰ ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਬਾਅਦ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਇਟਸ ਮੋਰ ਸਪੇਸ਼ੀਅਸ, ਯਾ ਯਾ, ਦਿਸ ਪਾਰਟ ਮੋਰ ਸਪੇਸ਼ੀਅਸ, ਆਈ ਹੈਵਨਟ ਸੀਨ ਦਿਸ ਪਾਰਟ। ਸੋ ਇਹ ਖੁੱਲਾ ਆਨੰਦ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਰੇ ਸਪੌਟ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ ਹੋਊ। ਸ਼ਿਮਲੇ ਦਾ ਰਿਜ, ਸ਼ਿਮਲੇ ਦਾ ਉਹ ਠਿਕਾਣਾ, ਉਹ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮਨ ਖਿੜ ਉੱਠਦਾ, ਆਨੰਦ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵੀਂ ਬਲੌਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਫਿਲਹਾਲ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਸੋ ਚਿਲ ਕਰੋ, ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ ਠੰਡੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ।